फ्रेंड्स, मैं चंदा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आइडियल चैनल पर। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा 3 दिन का यह व्रत है जिसे महिलाएं करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो के नीचे ये सारे बटन हैं, उनको दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसका एक ही बेनिफिट है फ्रेंड कि ये अगले अब जब वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं छठ पूजा के बारे में बात करेंगे। छठ पूजा की शुरुआत 24 अक्टूबर से हो रही है। 24 अक्टूबर को खाए नहाए की विधि है, साथ ही साथ 25 को खरना, 26 को संध्या अर्घ और 27 को सूर्योदय अर्घ होता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ खाए नहाए क्या है। खाए नहाए के दिन जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं वो दूधी यानी लौकी की सब्जी खाती हैं और साथ ही साथ राइस लेती हैं, बिना लहसुन कांदे की भाजी बनती है उस दिन। दूसरा है खरना। खरना में भी दूसरे दिन औरतें पूरा दिन व्रत रखती हैं, शाम को खीर रोटी खा के व्रत तोड़ती हैं। तीसरा दिन जो व्रत का होता है वो संध्या अर्घ से शुरू होता है, ये 24 घंटे का निराजल व्रत है, और सूर्योदय अर्घ से समाप्त होता है। ये इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। महिलाएं इसे बड़े आस्था से करती हैं। ये त्यौहार, ये पर्व महिलाओं के लिए बहुत विशेष होता है। ये माना जाता है कि ये व्रत जो भी महिलाएं आस्था से करती हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती है, सुख और समृद्धि बनती है। शुरुआत इसकी बिहार से हुई थी, अब तो पूरा देश करता है। जय छठ मैया।